अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की वीडियो पर। वीडियो के डिज़ाइंस देखकर आपको को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी, क्योंकि बहुत ही अलग और डिफरेंट स्टाइल है, क्योंकि ये शादी ब्याह पर पहने जाने वाले ड्रेसिस आइडियाज़ हैं। पेपलम फ्रॉक के साथ आप लहंगा भी पहन सकते हैं, बहुत ही ग्रेसफुल लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपने अपने वेडिंग ड्रेसिस को किस तरह से डिज़ाइन करना है वो आप इस वीडियो में बिल्कुल देख सकते हैं, और चॉइस जो है वो आपको नज़र आ ही रही है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है। आप फुल जो है वो इनको डेकोरेट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज बॉर्डर की शेप में आप इसको कवर अप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है। फैब्रिक सिल्क यूज़ करें या चाहे नेट यूज़ करें, कोई भी मतलब कि कोई भी फैब्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना लहंगा जो है वो सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी पेपलम फ्रॉक को भी जो है वो सिंपल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, चाहे मेहंदी का इवेंट हो, चाहे बारात का, चाहे वलीमे का, बहुत ही खूबसूरत है। ब्राइडल तक के लिए ये स्टाइल जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक करना है और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि शेयर करने से आपका भी फ़ायदा होता है और दूसरों का भी फ़ायदा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पेपलम फ्रॉक का स्टाइल जो है वो बहुत ही ट्रेंड में जा रहा है। अगर आप इसको अपने जो है फंक्शंस के लिए रेडी करवाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही अलग स्टाइल लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आपने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कोई भी इवेंट हो, अदरवाइज इवेंट ना भी हो तो आप अपने समर सीज़न के लिए भी कोई ना कोई फ्रॉक इस लिहाज से रेडी करवा सकते हैं। आप ट्राउज़र बना सकते हैं और पैंट्स वगैरह भी पेपलम फ्रॉक के साथ यूज़ हो जाती हैं। उसके अलावा भी मेरी वीडियोस जो हैं वो इसी नादिया स्टिचिंग के चैनल पर फ्रेंड्स पड़ी हुई हैं, आप कोई भी देख सकते हैं। पेपलम फ्रॉक के लिहाज से 2 से 4 वीडियोस जो हैं मैंने अपलोड की हुई हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप उसके अलावा कोई भी मज़ीद डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं, नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलेंगी, यहाँ तक कि मेहंदी के स्टाइल भी आपको देखने को मिलेंगे और जो नेल पेंट के डिज़ाइन भी आपको, हेयर स्टाइल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ज़रूर विजिट करना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है, या फिर आने वाली वीडियोज़ में आप क्या देखना चाहते हैं तो मैं आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूंगी। तो फ्रेंड्स, फिर इजाजत चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।